ऐसा लग रहा था बहुत इजी खेल रहे थे, वही बात हुआ किनारे में आकर डूबने वाली बात। हालांकि वो अपने व्यक्तिगत खेल से संतुष्ट होंगे, लेकिन जिस स्थिति में टीम थ्री अभी आउट नहीं होना था, उनको संतुष्ट हो गए लगता है अपने बल्लेबाजी से। एक विकेट हिट कर दिए बढ़िया की टीम को, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन बहुत उससे भी अच्छी क्षेत्र रक्षण, उससे भी अच्छी क्षेत्र रक्षण मिस फील्डिंग ओवर थ्रो ये बल्लेबाजी के खाते में जाएगा। मिस फील्डिंग ओवर थ्रो बल्लेबाजी के खाते में, अब ये ऐसा लगता है रोहन का छह और चार किया गया इस स्थिति को, बहुत 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 अच्छा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं इस समय अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ बेगूसराय गांधी स्टेडियम में हूं और जिला क्रिकेट लीग के तहत आज दूसरा मैच खेला गया गांधी स्टेडियम में बेगूसराय नगर क्रिकेट क्लब और बलिया के बीच। बेगूसराय नगर क्रिकेट क्लब की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है और 40 ओवर के मैच में मात्र 15वें ओवर में या 14 ओवर में ही खेल जीत हासिल कर ली है। और आज उसके खेल जो जीत हुई है उसके नायक हैं मुरारी कुमार, जो बेगूसराय के काफ़ी धाकर बल्लेबाज माने जाते हैं, और रोहन हैं जो इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, दोनों ने शानदार अर्धशतक जड़ दिए और अपनी टीम को शानदार जीत दर्ज कराई है। कैसा लग रहा है मुरारी? काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहला मैच हारने के बाद हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की, हमारे कैप्टन और हम सब लोग मिल के प्लानिंग की, जो आज आज सही साबित हुआ है। लेकिन बेरहमी से जीत गए, ऐसा कोई बात नहीं था। कल विकेट थोड़ी स्लो खेल रही थी फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग जाके तो अच्छी विकेट हो गई, जो आज भी अच्छी खेल रही थी, जो इसलिए आसान लग रहा था क्रिकेट। आज तो आपने जिस तरह से जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर दिया, फिर से पुराने मुरारी दिख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, विनीता प्रेम भाई ने मेरा माइंड वॉश किया, जिससे मेरा प्रेशर रिलीज हुआ, जो आज हम खुल के खेले। फिर आज खुल के खेले और दिखा दिया अपना जो तेवर है पुराना। हाँ बस। आज कितना स्कोर किया आपने? 53 53 रन आज मुरारी ने फिर से जड़ दिया और कम गेंदों में जड़ा है। और आज रोहन है, रोहन ने आज गेंदबाजी करते हुए शानदार 4 विकेट लिए, किफ़ायती गेंदबाजी की थी, 2 मेडल भी रखे थे, 17 या 18 रन इन्होंने दिया, और जब बल्लेबाजी का मौका आया तो फिर ताबड़तोड़ देने लगे। क्या मूड में है? कुछ नहीं, हमारे कप्तान ने कहा था कि बनो विकेट पकड़ के खेलिए और अकॉर्डिंग टू बॉल खेलिए। अरे खेलने के लिए कहा, इस तरह से धज्जी उड़ाने के लिए नहीं कहा? नहीं तो बस अकॉर्डिंग टू बॉल हम खेल रहे थे, जो लग रहा था कि मारने वाले बॉन्डे से फिर मार रहे थे, ऐसे खेल रहे थे आराम आराम से। कितना स्कोर आज किया आपने? 60 के आसपास होगा। 60 के आसपास स्कोर किया है और धाकड़ बल्लेबाजी करके दोनों ने टीम को एक शानदार जीत दर्ज कराई है। हमारे साथ हैं कप्तान बेगूसराय नगर क्रिकेट क्लब के प्रेम रंजन पाठक, काफ़ी खुश हैं। कैसा लग रहा है प्रेम? कल हार हो गई थी, काफ़ी संघर्ष किया आपने, बहुत अच्छा स्कोर किया था, उसके बाद भी आप हार गए थे, लेकिन आज आपने ठीक उसका रिवेंज लिया है और ज़ोरदार जीत दर्ज कर लिया है। देखिए, अब मैं पर्सनल अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं हार जीत के लिए मैं नहीं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ कि दर्शक चाहते हैं कि तनी प्रेम का खेल देख लें। अच्छा, तनी विनीत को देख लें। अब हम लोग खेल के कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन जो मेरे साथ खेल रहे हैं लड़के, इनको कहीं भेजना है। अच्छा, इस उद्देश्य से अब हम क्रिकेट खेलते हैं। हार जीत बहुत मैटर नहीं करता है, प्रदर्शन मैटर करता है। लेकिन आज शानदार प्रदर्शन कर दिया, बहुत गजब फॉर्म टीम देखी आज आपकी। नहीं, फॉर्म में तो कल भी हम लोग अच्छा क्रिकेट खेले थे, लेकिन रणवीर की टीम युवाओं से लैस है और सालों भर लोग क्रिकेट खेलता है और हम लोग का बाल बच्चा भी हो गया है, तो उस अनुसार थोड़ा सा चलना पड़ता है, बच्चे छोटे ही हैं। तो जीत के, हाँ, शानदार जीत के लिए आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत हमारे साथ हैं विनीत। देखिए विनीत की जो फिटनेस है वो तो काबिले तारीफ है और युवाओं को सीखना चाहिए। विनीत इस उम्र में भी फिटनेस बरकरार रखे और आज फिर आपने एक विकेट भी ले लिया, लंबा स्पेल आपका रहा। हाँ, अच्छा लगता है जब हमारे साथ सभी फिट प्लेयर हैं, चंदन हैं मेरे पास, मुरारी जी हैं,
मेरे साथ रोहन हैं, प्रेम भैया हैं, दिलजीत जी हैं, तो उनके सामने थोड़ा फिटनेस बना के रखना पड़ता है, नहीं तो कभी भी टीम से बाहर हो सकते हैं। तो टीम से बाहर होने का कोई खतरा फिलहाल दिखता नहीं है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो है लगातार बेहतर ही हो रहा है और उम्र के बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस भी बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे गुलशन से, बलिया की टीम के खिलाड़ी हैं गुलशन, शानदार गेंदबाजी की उन्होंने और बल्लेबाजी में भी आज उन्होंने टीम को बेहतर मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन उनकी टीम हार गई है। गुलशन ने आज शानदार 2 विकेट लिए हैं। ये हैं बलिया टीम के गुलशन, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की, 2 विकेट लिया था ना आपने, क्या मन में है, बहुत इतना कंजूसी क्यों करते हैं गेंदबाजी करते समय? अरे हम तो बस पार्ट टाइम बॉल डालते हैं, मेन बॉलर तो सब मार खा गया इसलिए हम बाद में बॉल डाले। पार्ट टाइम बॉलर क्यों इतनी घातक गेंदबाजी कर दी? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, बॉलर सब मार खा गए इसीलिए हम बॉलिंग आए थे। अच्छा। नहीं तो नहीं आते। नहीं तो नहीं आते बिल्कुल। तो आते साथ क्या मन में क्या था कि आके कहर बरपा देना है? हम तो बस नॉर्मल डाल ही रहे थे, वो मारने के चक्कर में आउट हो गए मुरारी भैया। 2 विकेट आपने लिया, मुरारी जैसा धाकड़ बल्लेबाज जिसको आपने आउट कर दिया, क्या लग रहा, कैसा महसूस हो रहा आज? अच्छा लग रहा है। आपने आज बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की। कहाँ अच्छा हुआ, 15 रन तो बनाए। 15 रन उस परिस्थिति में बनाए जब आपके टीम के 13 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, मैं देख रहा था मैच आपका, और आपने आके अजहर के साथ जो एक साझेदारी की वो बेहतरीन साझेदारी रही, 43 रनों की आपने साझेदारी की, आपको पता होगा या नहीं लेकिन मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने संकट से उबारा अपने टीम को, तो आप बेसिक बल्लेबाज हैं या गेंदबाज हैं? बैट्समैन है। ये बल्लेबाज हैं और देखिए बल्लेबाज होकर गेंदबाजी में घर भर पा रहे हैं, ये तो शानदार है गुलशन, आपको हार्दिक बधाई। बिल्कुल धन्यवाद। और आप बेहतरीन कीजिए। बलिया टीम के खिलाड़ी हैं MD अजहर, शानदार खिलाड़ी हैं, मैं बरसों से इनको खेलते हुए देख रहा हूं, अपनी टीम की रीढ़ हैं ये, बॉलिंग बैटिंग दोनों में इनका शानदार प्रदर्शन होता है। अजहर आज थोड़ी चूक हो गई क्या कहीं, आपने हालांकि बैटिंग बहुत अच्छी की, 43 रन आप बनाए थे आज। जी बैटिंग अच्छी हो रही थी, मैं गलत शॉट चूज कर लिया था जिसकी वजह से मैं आउट हुआ और वहीं से टीम मेरा बैक हो गई। नहीं तो आपके आउट होने के बाद एक तरह से कहिए कि ताश के पत्ते की तरह टीम ढह गई। जी जी ये मानते हैं। आप रहते तो शायद 150+ स्कोर होता। जी 100% तो लगता था उम्मीद हो जाती जी, लेकिन जल्दीबाजी में हो गई। जी जी क्या कहीं अफसोस हो रहा है इसका? जी 100% अफसोस हो रहा है कि बरसों से प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस करके जिला लीग के लिए हम लोग तैयार होते हैं कि इसमें परफॉर्म करना और इसके बेसिस पे आगे जाना है, और कहीं ना कहीं ये जिला लीग ही काम करती है इस मैटर में, तो वहाँ पे चूक हुआ, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया और जिस वजह से मैं आउट हुआ, वहाँ से मेरी टीम भी लड़खड़ा गई, जबकि मैं लड़खड़ाई हुई टीम के ऊपर लेके आया था। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं वहाँ से बैक गया तो मेरी टीम भी बैक हो गई। अजहर ने अपने स्तर पर बहुत अच्छी कोशिश की और शानदार एक साझेदारी दी गुलशन के साथ, मिलकर टीम को एक बढ़िया साझेदारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं आज अजहर ने प्रेम रंजन पाठक को ताबड़तोड़ 2 छक्के जड़ दिए।